जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक विशेष नई वैकेंसी जिसके बारे में जिसके फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन कईयों आपको शायद नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 मार्च है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, एज की लिमिट भी काफ़ी अच्छी है। ये नेवी के अंदर ये वैकेंसी है और ये अभी इसके प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, तो जितने भी दोस्त एलिजिबल है वो फॉर्म भर देना। इसकी जो नोटिफिकेशन है मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ आगे वीडियो में, और बताने वाला हूँ उसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या किस प्रकार से आपको फॉर्म में अप्लाई करना है, और मतलब क्या क्या उसका सिलेबस है, क्या क्या क्राइटेरिया। समथिंग 1100 पोस्ट के समथिंग इसमें पोस्ट है, मतलब काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और किस किस मतलब डिपार्टमेंट की पोस्ट है, 3 डिपार्टमेंट की पोस्ट है, तो मैं आपको आगे नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। और फिर भी आपको नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उसका लिंक नीचे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वो नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो 7 मार्च उसकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले फॉर्म आपको फिलअप करना ही करना है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताया था कि वैकेंसी के बारे में, तो देखिए इंडियन नेवी की ये वैकेंसी है जो कि सिविल सर्विसेज के लिए, मतलब ग्रुप सी की जो वैकेंसी है वो ट्रेडमेंट के लिए। अलग अलग प्रकार के इसमें जॉब है, मैंने बताया था 3 टाइप के जॉब है इसमें, और भी कई टाइप्स के हैं, 3 टाइप को मतलब मेन है, उनके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स है जो मैं बताऊँगा इस वीडियो में। और इसके ऑनलाइन फॉर्म अभी चल रहे हैं, 7 मार्च इसकी लास्ट डेट है, अगर जिसने नहीं भराया वो भर देना। इसका एज जो क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल, OBC और SC ST को अलग से छूट भी दी गई है। साथ में आप देखिए इसकी अगर पोस्टों की बात करें तो टोटल इसमें 1100 प्लस पोस्ट हैं। 710 पोस्ट ईस्टर्न नेवल कमांड की है, वेस्टर्न नेवल कमांड की है 324 पोस्ट, और 125 है साउथ नेवल कमांड की। तो मतलब टोटल 1100 कुछ के समथिंग ये पोस्ट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। 10th क्लास पास जो एलिजिबल है इसके लिए, तो ऑनलाइन फॉर्म अभी चल रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की जो वैकेंसियाँ होती है इसका देखो पे स्केल भी बता देता हूँ आपको कि पे स्केल है इसका अभी प्रेजेंट टाइम का 18,000 से लेकर 56,900, मतलब कि बहुत ही अच्छा पे स्केल है। कॉन्स्टेबल से थोड़ा सा नीचे हैं, जो SSC GD कॉन्स्टेबल होता है या RPF कॉन्स्टेबल होता है उनका 21,700 है, लेकिन अच्छा पे स्केल है। और रोजगार के माध्यम से बहुत अच्छी सरकारी जॉब है, बिल्कुल नेवी की तरफ से ग्रुप सी की। इसमें बहुत टाइप के जो जॉब है उसके बारे में एज क्राइटेरिया मैं आपको बता दिया हूँ। एजुकेशन है वो 10th क्लास पास आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, उसके अलावा इसका जो पेपर होगा वो मैं आगे बता रहा हूँ किस प्रकार से उसका सिलेबस होगा। देखिए एज 18 से 25 के बिटवीन होनी चाहिए, 10th क्लास आप पास होनी चाहिए, कितने परसेंटेज से पास हो ये कहीं मैटर नहीं करता इसमें, ठीक है। आप चाहे कितने प्रकार की आपकी मतलब 10th में 40% हो, 50% हो या कितने भी परसेंट हो, वो मैटर नहीं करता है। नेचर ऑफ ड्यूटी, जॉब प्रोफाइल किस प्रकार की, मैंने जैसे बताया गेट ओपनिंग हो गया, वॉचमैन हो गया, क्लीनर हो गया जो ऑफिस साफ करने वाला, या जो डाक को इधर उधर देता है ऑफिस में वो हो गया, जिनको कंप्यूटर आता है वो कंप्यूटर का भी काम कर सकते हैं, वो टाइप्स के जॉब्स हैं। स्टोरमैन के हैं, डिस्टेंस फर्नीचर है, अगर किसी को मतलब मालिक का काम आता है तो वो उस प्रकार से, मतलब कई प्रकार के जॉब है, जिसको जिस प्रकार का आता है उस प्रकार से जॉब कर सकता है इसमें। जैसे फैक्स भेजना, लेटर भेजना, जिनको आता है अगर जिसकी एजुकेशन अच्छी है तो वो इसमें ज़रूर उस टाइप का जॉब भी अप्लाई कर सकता है। इन जॉबों की एक खास बात होती है कि लोग बहुत कम अप्लाई करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये जॉब आया हुआ है ना, इस पर कहीं ध्यान जाता है, तो मतलब बहुत ही कम लोग अप्लाई करते हैं। बहुत अच्छा एक मतलब आपके पास में सोर्स बन जाता है इस जॉब को मतलब अपॉइंट होने का। ये देखिए OBC SC ST के लिए जो छूट दी गई है, कश्मीर की कुछ अलग छूट दी गई है। एग्ज़ाम फीस इसकी 205 रुपये एग्ज़ाम फीस है, मतलब ज़्यादा एग्ज़ाम फीस नहीं है, SC ST के लिए एग्ज़ाम फीस है नहीं। और अब इसका अगर सिलेबस की बात करें, इसका जो पेपर होगा 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, जनरल रीजनिंग होगी, मैथ होगी 10th लेवल की, GK होगी और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे। तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल से होते हैं, ये नहीं कि काफ़ी बड़े क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल से होते हैं, इंग्लिश के भी साधारण से क्वेश्चन होते हैं। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसका पूरा सिलेबस में जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ये नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। जो बच्चे नहीं जुड़े अभी टेलीग्राम ग्रुप से, जो भी नए बच्चे हैं जो नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल पर भी अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आप उधर जाके जुड़ जाइए, मैं उधर ये नोटिफिकेशन डाल दूंगा। अब देख लीजिए इसकी ओपनिंग रजिस्ट्रेशन पोर्टल 22 फरवरी से स्टार्ट है, 7 मार्च लास्ट डेट है, और आज आप सभी को पता है कि 4 मार्च हो गया, मतलब 3 दिन अभी भी आपके पास में, आप आसानी से ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कंपटीशन कम होता है तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों जय हिंद जय भारत।